इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। ये मीडिया के लोगों को पूछो, आप मेरे जाने के बाद मार्च के बाद इनकी नौकरियां भी नहीं रहेंगी, याद रखो। आप देखो मुंडियां हिला रहे, यूं कर रहे, उनको मालूम मार्च के बाद कोई नौकरियां नहीं रहेंगी मीडिया की, इनकी भी नौकरी जाने वाली है। मगर मोदी जी क्या बोलेंगे, गोश्त मत खाओ मित्रों, नारा लगाओ, नफरत फैलाओ, क्या हो रहा है, मुल्क कहां किस रास्ते पर जा रहा है। और फिर उत्तर प्रदेश में तो एक नया कानून बना दिया उन्होंने, टाइम है ना, 15 मिनट है, उत्तर ये खत्म कर दो, नहीं तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे मेरे पे, नहीं बोले बोलेंगे पाशा सब पे बोलेंगे, हम नहीं बोले तो कौन बोलता ही नहीं आजकल। नहीं नहीं गूंगे नहीं है, हमारी तकरीर यूट्यूब पे सुन के बोलते क्या बोले कतर लो। उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाए, वही कानून यहां पे चीफ मिनिस्टर बनाते बोल रहे, क्या कानून है मालूम आपको, मजहब तब्दीली का कानून। अब आप पेट पकड़ के सीखे देखो अभी बात में। अच्छा कानून कैसा कानून है सुनो आप, कानून ये बोल रहा है कि अगर दो अगर इज्तिमाही तौर पर कोई अपना मजहब तब्दील कर लिए तो उस पर यह कानून लागू होगा, पकड़े जाएंगे। अच्छा इज्तिमाही माने कम से कम 30-40 तो होना ना, नहीं ओनली 2 है तो भी कानून लागू होता है, 2 भी कबूल करे तो मास कन्वर्शन। अरे पाशा तेरे को अंग्रेजी कौन सिखा है कानून बनाने वाले को, 2 लोगों का मास कन्वर्शन होता, 2 लोगों की शादी होती। अच्छा फिर इनका सेक्शन 2(1) क्या बोल रहा, अगर मैं आज तकरीर करा इस्लाम के बारे में और इसमें से कोई शख्स बोला कि भाई तुमने इस्लाम को बेहतरीन तरीके से बताया, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, वो कानून क्या बोला, नहीं इनकी इनू करे इन पर भी केस बुक करो। नहीं नहीं कन्वर्टर कहते, मैं कन्वर्टर, गाड़ी का कंडक्टर कन्वर्टर है ये, मैं कन्वर्टर, मेरी बात सुन के अगर कोई दीन कबूल कर लिया उस पर भी केस लगाएंगे। और फिर आप क्या बोल रहे हो उस कानून में, कानून में क्या बोल रहे कि एडिंग एबेटिंग का सेक्शन 2(1) और उसके बाद, अच्छा इसमें हैरत अंगेज बात देखो आप, सेक्शन 4 में अगर एक मियां बीवी किसी बच्चे को गोद ले लिए, बच्चा जाके कंप्लेन दे सकता मेरे अम्मा अब्बा मजहब तब्दील कर लिया, केस बुक करो। नहीं नहीं हंसने का नहीं है, वो दिमाग वाले वो लगा वो पूरा फर्स्ट फ्लोर खाली 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 खाली। और फिर ये भी बोलते कि रोड चलता आदमी जाके कंप्लेन कर सकता, मैं बदल दी मजहब इन, कैसा मालूम तेरे को, मैं रोड चल रहा था देखा, केस बुक कर दो इसमें, वो कानून में डाल दिए सेक्शन बोल रहा हूं आप 8(3). और 8(3) में क्या है, अगर कोई अपना मजहब तब्दील करना चाह रहा है तो उसको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख के देना, साहब मैं तंग आ गया अपने पुराने मजहब से, नया मजहब बदलना चाह रहा हूं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते लिख के दे, 2 महीने के बाद आ, 2 महीने के बाद आ, मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं मालूम करूंगा कि तू सच बोल रहा है या तेरे को कोई धोखा दे रहा। ये कानून बना रहे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 9 सेक्शन 4 ये क्या है बताइए आप, कौन सा कानून है ये, मैं अपने मजहब पर चलूं, मैं एक अल्लाह को मानूं, मैं हजारों खुदाओं को मानूं, मैं किसी खुदा को ना मानूं, मैं किसी और मजहब पे चलूं, आपका इख्तियार कौन है उसमें, हुकूमत कौन है मेरे को बोलने वाली। मगर ये बीजेपी के राज में हो रहा है कि अगर खुदा को भी तुमको मानना है तो हमसे पूछना पड़ेगा, मजहब को भी छोड़ना है तो हमसे पूछकर छोड़ना पड़ेगा। और शादी कर रहे तुम लोग, शादी कर रहे इतनी मोहब्बत हो गई, देखो शादी नहीं करे तो भी शादी कर रहे। अब आप देखो आप इसमें 86 लोगों पे केस बुक हुआ जिसमें 79 मुसलमान, 86 में 79 मुसलमान,
जिसमें ईटा के 26 एक ही खानदान के, जिसमें 5 खवातीन 2 मासूम बच्चियां, क्यों कि 21 साल की एक बच्ची ने इस्लाम को कबूल किया, उसकी शादी उस बच्चे से नवंबर 17-18 को हुई, वो कानून एक हफ्ते के बाद आया। जब कानून नहीं है तो कानून में नहीं बुक कर सकते ना, नहीं नहीं नहीं, योगी का कानून है, कोई का कुछ नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता, अगर कोई कानून नहीं है तो उस पर केस नहीं बुक हो सकता। मगर इसको बच्चे को जेल में डाल दिया और उसको जेल में रहना पड़ा। और फिर आप हैरत की बात देखेंगे, हैरत की बात, बरेली में 2 मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब तब्दील करके शादी करते, तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी। एक मुसलमान बच्चा अपने कॉलेज के दोस्त के साथ बैठ के पिज्जा खाया तो उसके बाप के पास जाकर उस पर प्रेशर डाल के बोले, देख तेरी बेटी को इन्हें मुसलमान बनाना चाह रहा, केस बुक करके। वो बच्चा अब तक जेल में पड़ा हुआ है, उसका जुर्म क्या है, खाली पिज्जा खाया हुआ। उसका बाप बोल रहा कि मेरे को पुलिस वाले मजबूर करे केस बुक करने के लिए। ये इनका कानून है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं आप देखो। कौन बोल रहा है इनके खिलाफ, कोई नहीं बोल रहे, और हम भी टीम है। और मेरे अजीज दोस्तों, अब ये बीजेपी वाले बोलेंगे हो रहा नहीं हो रहा, अरे दीवाने, इंडियन पीनल कोड का आईपीसी 493 के, अगर मैं किसी को धोखा देकर शादी करता हूं, किसी कोई मर्द अगर किसी औरत को धोखा देकर शादी करता तो सजा है 10 साल की। सेक्शन 503 आईपीसी का क्या है, कानून मौजूद है। मगर अब क्या हो रहा, अब ये जो नाम निहाद जो सेकुलर लोग हैं ना, जब मैं ट्रिपल तलाक पे आकर हम मुखालिफत कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ये सब बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं आप मुस्लिम बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, आप क्यों साथ दे रहे हैं। मैंने कहा शादी एक सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल पीनल प्रोविजन नहीं आना चाहिए। आज वही लोग मेरे को फोन करके बोले कि असद साहब, उस वक्त अगर हम आपकी बात को समझ जाते तो आज हम ये गलती नहीं करते। शादी कोई भी किससे भी कर सकता है, कौन रोक सकता है भाई। इश्क आ गया, बोलता मैं मजनू हो गया, बस आंखों पे पर्दा पड़ जाता हूं, कुछ भी नहीं, उससे करता हूं। अब्बा बोलते, नाना बोलते, दादी बोलते, अम्मा बोलते, देख तेरा दूध माफ नहीं करूंगा। उन्हें बोलता अम्मा बाद में माफ कर, पहले शादी करा दे। इश्क हो गया मेरे, है भाई हो जाता हूं। अगर आप घर में सही तरबियत नहीं देंगे तो ऐसी होता, मगर इश्क है। इसीलिए बंदा नवाज क्या बोले थे, बंदा नवाज क्या बोले मालूम आपको, अपने 11 रसायल में बंदा नवाज लिखे, आशिक इश्क और माशूक एक हो जाना, इश्क आशिक माशूक एक हो जाना, जब ये एक हो जाते तो फना फिल्ला हो जाता फिर। यही बात तो समझना है। खैर ये दूसरी गुफ्तगू उधर लेके जा रहा हूं आपको, मगर ये इनका कानून ये है, इनका कानून ये। अच्छा, आप कानपुर में एक SIT बनाई गई, जो कानपुर की SIT ने 14 केसेस में इंक्वायरी करके कहा कि ना फॉरेन फंडिंग हुई, ना किसी पर जोर जबरदस्ती करके मुसलमानों ने शादी की। कर्नाटका की CID 2009 में केस हुआ था बड़ा मशहूर, के कर्नाटका की हमारी हिंदू बहन केरला के एक मुस्लिम बच्चे से शादी करी, कर्नाटका की CID ने कहा कि तू दमी नहीं।